बड़ी बात आप बता दें, इस वक्त बजट आ चुका है और अलग अलग जगहों से अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है बजट को लेकर के। योगी आदित्यनाथ ने कहा ये बजट आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला है, यानी ये बजट आत्मनिर्भर बनाएगा हिंदुस्तान को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला बजट है, सभी वर्गों के लिए ये बजट है, ये काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए ये बजट है, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खास तौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बजट उम्मीदों भरा बजट है, लेकिन विपक्ष ने अब इस पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई, राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट को जीरो बताया है, वेतन भोगी गरीब मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, राहुल गांधी ने कहा। युवा और किसानों को जीरो मिला, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा युवाओं को और किसानों को जीरो मिला, वेतन भोगी गरीब मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है। बजट को लेकर के राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि जब वो पार्लियामेंट से निकले तब उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में बताएंगे, एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ बजट में है, लेकिन अब उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से ये जीरो है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट को बताया जीरो, वेतन भोगी गरीब मिडिल क्लास को उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, युवाओं और किसानों को भी उन्होंने कहा कि जीरो मिला इस बजट से। देखिए इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बजट को उम्मीदों भरा बजट बताया है, खेती किसानों के लिए भी इस बजट को बताया है कि ऐतिहासिक बजट होगा, उम्मीदों से भरा बजट होगा। सुनिए। एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो, और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, गांव, गरीब मजदूर, किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी, जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला दो प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला, और अब पर्वतमाला, ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोप वे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, लेकिन उसके अलावा हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रीति हेल्थ स्टूडियो जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी जाएंगे, और साथ ही मीनाक्षी मेरे साथ मैनपुरी जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव को देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि बजट आया है एक तरीके से, और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है। इस बजट को लेकर के मैनपुरी के लोग क्या सोचते होंगे अगर आपसे बात हुई हो? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत लोगों को उम्मीद थी इस बजट से, किसानों को उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी, महिलाओं को उम्मीद थी, नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि मैं मैनपुरी में हूं, यहां मैंने लोगों से बातचीत की है, मिली जुली प्रतिक्रिया है इनकी, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनसे बातचीत करके ही बताऊंगी क्या ये लोग सोच रहे हैं इस वक्त बजट के बारे में। बजट आ गया है, कैसा लगा बजट आपको? अब क्या बजट लगा, टैक्स स्लैब हम देख रहे हैं 4-5 साल से वही चली आ रही है, एक तनख्वाह तो इसी टैक्स में चली जाती है, और हमारा वोट इस बार होने वाला है अपनी पेंशन के लिए। अब तक जो वोट देते आए हैं, माननीयों को पेंशन दिलाई है, हमारी पेंशन जो पुरानी पेंशन के लिए वादा करेगा वोट उसको दिया जाएगा। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों के सृजन की बात भी कही गई है, कई लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, नौकरी आप देख रहे हैं इस समय काफी लाठियां लग रही हैं, इस सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दी, और ये चुनाव जो है सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है कि हम विकास पे लड़ेंगे। अभी आप गांव से आए थे, सड़कें देखी होंगी आपने, जगह जगह पानी भरे हुए थे, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जो बजट पेश किया गया है आप गाड़ी देखी, जो गाड़ियां अभी तक 60,000 रुपए की आती थी, अब 1-1 लाख रुपए की आम आदमी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये किसानों का इलाका भी, यहाँ पर किसान भी बहुत है, खेती भी बहुत होती है, तो किसानों के लिए भी आज बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, उनको डिजिटल माध्यम से जोड़ने की बात भी कही गई है, MSP पे भी जो मूल्य भुगतान है वो पूरा का पूरा करने की बात की गई है। लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी किसानों को लेकर हम बात यहाँ पे करेंगे कि किसान आखिर क्या सोचता है इस बजट को लेकर। लेकिन प्रीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हेल्थ सेक्टर में कितना कुछ बदलाव अब देखने को मिलेगा ये प्रीति एक्सपर्ट से जानेंगी। जी प्रीति, कैसा है ये बजट हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग? देखिए प्रीति, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपके पास लौटूंगा। इसके अलावा मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे अभी आपका परिचय कराऊं। मेरे साथ पराग आनंद साहब जुड़ गए हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा पंकज मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं और CA भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप एक बात का जिक्र कर रहे थे, जल्दी से आप बता दीजिए, टैक्स स्लैब नहीं बदला हुआ है कोई, आप कुछ जिक्र करते, मैं फिर सर लोग पास जाऊं, फिर आप एक बार उस पर बताइए आसान भाषा में। सर, आसान भाषा जी। देखिए, टैक्स स्लैब में चेंज क्यों नहीं किया, इसके दो कारण है। पहली बात तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको पता होगा कि 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, 5 लाख तक, तो आपको टैक्स तो लगता है जी, लेकिन धारा 87 में आपको टैक्स से माफी हो जाती है। पर 5 लाख के अलावा भी अगर आप और सेविंग्स कर लेते हैं, यानी 1.5 लाख की आप ATC लेते हैं, 50,000 का मेडिक्लेम ले लेते हैं, 2 लाख का हाउसिंग लोन की छूट ले लेते हैं, और अपने पेरेंट्स की मेडिकल हाउसिंग लोन की छूट नहीं ली है 2 लाख की, उसको कहां से मिलेगा? नहीं, अगर उसने नहीं ली है तो 7.5 लाख तो टैक्स एग्जम्प्ट है ना उसका। यानी मिडिल क्लास फैमिली जो 60-70 हज़ार रुपए महीने तक कमा रहा है, उसको छूट मिल सकती है टैक्स में। मेरे कहने का भाव ये है कि अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, बड़े उसमें देखेंगे कैनवास में, तो मिडिल क्लास फैमिली को 80-70 हज़ार तक की इनकम पर भी टैक्स नहीं लगता है। और स्लैब क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका दूसरा कारण यह है कि 130 करोड़ की आबादी में अभी भी केवल 7 करोड़ या 8 करोड़ रिटर्न ही फाइल होती है, उसमें केवल 4 करोड़ टैक्स देते हैं। इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, दायरा रिटर्न भरने का। जो भाई साहब बता रहे हैं 7 से 8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, बाकी लोग क्या चोरी करते हैं, इनसे पूछे ना पहले। जितने नौकरी करने वाले लोग हैं वो सारे लोग टैक्स देते हैं, आप ये कह के बच नहीं सकते कि 6 से 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। टैक्स सब लोगों का ऑटो डिडक्शन हो जाता है। इस तरह की बातें करके आप ये कहिए कि हिंदुस्तान 125 से 135 करोड़ की आबादी है, 7 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, बाकी लोग बेरोजगार है, वो टैक्स देने के काबिल नहीं है, आप कहिए इस बात को। मेरा सीना गर्व से देखते हैं बजट को, कितने नंबर देंगे? जो बजट चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, जो बजट अभी हम देख रहे हैं, जिस पे चर्चा कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब की बात जो हम कर रहे हैं, तो हमने ये उम्मीद करा था कि जो नया वाला स्लैब है, जो नए वाले स्लैब को अगर आप देखें तो एक्चुअली में वो रिडंडेंट है, उसको बहुत से लोग उसको यूज नहीं करते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे जैसे ही आप वो वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो आपको वहां पे जो डिडक्शंस हैं सैलरी के, ATC के, बाकी आपके जितने इन्वेस्टमेंट हैं उस इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन आपको वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है सर, इसको और अच्छे से गहराई से हम समझेंगे।